इशारा से समझा रहे हैं कि एक तरफ है नागनाथ और एक तरफ है सांपनाथ और बीच में है नेवला। यानी गुंजन का नाम क्या लगता है, गुंजेगा? गुंज जाएगा, गुंजनमय हो जाएगा। गुंज जाएगा, गुंज जाएगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार गरीब का बेटा क्या गुंजन सिंह तो सांसद बन का नाम हम रख दिए हैं? क्या नाम? नेवला। गुंजन सिंह ना तो नागनाथ चलेगा और ना तो सांपनाथ चलेगा, चलेगा तो नेवला। अच्छा, नेवला, नेवला। इस बार माहौल बदलेगा? बदलेगा। इस बार समझ जाए कि माफिया रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस हम इशारा से समझा रहे हैं कि एक तरफ है नागनाथ और एक तरफ है सांपनाथ और बीच में है नेवला। यानी गुंजन का नाम क्या लगता है, गुंजेगा? गुंज जाएगा, गुंजनमय हो जाएगा। लोकसभा में इस बार माहौल चल रहा है कि आखिरकार नवादा लोकसभा का सांसद कौन बनेगा, समझ जाइए। हमारे साथ भाभी जुड़ी है जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, हर एक जगह देख रहे होंगे इनका वीडियो, इस तरह से वायरल हो रहा है कि लोगों के दिल पे राज कर रहा है। आखिरकार इतना दहाड़ से आप बोल रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आया आपके पास? ये तो बात कहाँ से एनर्जी आए ये हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन एनर्जी है, एनर्जी है, इसलिए है एनर्जी। सोशल मीडिया पे पूरा जब गरीब लोग को देखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, कि क्या नवादा का स्थिति हो गया। अच्छा, इसीलिए नवादा की जनता से हम अपील करते हैं कि इस बार जाति धर्म और दल की दलदल से उठकर चुनाव करें। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप? हम लोग गुंजन सिंह को सपोर्ट, गुंजन सिंह को, खुलेआम गुंजन, खुलेआम गुंजन, खुदम ओपन चैलेंज गुंजन सिंह। क्या लगता है कि इस बार नवादा लोकसभा का सांसद गुंजन सिंह बन जाएंगे? सिंह ही बनेंगे, सब तो बनल बनावा लाइवे करते हैं। तो इनको बना के भेजेंगे तब तो कुछ नया विकास होगा। अच्छा, और जब घर का बच्चा गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूर लिया है तो उसको पता है ना कि यहाँ पर ये चीज नहीं है, यहाँ पर ये चीज नहीं है, और तो ऊपर से उतरते हैं बस। अच्छा, कुछ लोगों का नवादा लोकसभा में मांग था कि इस बार नवादा लोकसभा का घर का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा, लेकिन जैसे ही टिकट किसी और को मिला लोग अपना अपना रुझान बदलना शुरू कर दिए। देखिए, लोग रुझान बदल दिए, लेकिन हम लोग अपने गुंजन को सोचे थे कि चुनाव में टिकट दिलवा कर गुंजन जी के साथ चुनाव लड़ेंगे इस बार, हम लोग इस बार नवादा का विकास होगा, लेकिन टिकट नहीं मिला, इसका तो कोई भी गम नहीं, एक रुपया का गम नहीं है, क्योंकि टिकट गुंजन का चेहरा ही है। अच्छा, गुंजन सिंह ही टिकट है? गुंजन सिंह ही टिकट है। अच्छा, उनको क्या दरकार था हम लोग के लिए वोट में कूदने के लिए, धूप में घूरने के लिए, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन जब नवादा की जनता से उनको प्रेम है, लगाव है, तब तो मैदान में कूद गए। अरे तो विवेक ठाकुर के साथ बड़े बड़े नेता है, मंत्री है, हेलीकॉप्टर वाले, हरेक मतलब बड़े बड़े सभा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके साथ है, गुंजन सिंह के साथ कौन है? इसीलिए तो कहते हैं कि पैरा सूट प्रत्याशी नहीं चलेगा इस बार। अच्छा, जो पैरा सूट से उतरते हैं और हेलीकॉप्टर से फुर। अच्छा, इस बार चेंज कीजिएगा, इस बार चेंज करेंगे। माहौल नवादा लोकसभा का, माहौल नवादा लोकसभा का ही है, और इस बार घर का बेटा घर का नेता। अच्छा, गुंजन सिंह अभी कितने लोगों से आगे चल रहे हैं ये तो वोट बताएगा। अच्छा, क्या लगता है कितने लोगों को जवाब अभी जा रहे हैं? सब गुंजनमय ही देख रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग इस बार का चुनाव जो होगा लोकसभा, नवादा लोकसभा, एक बार साल में 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है पब्लिक को जज बनने के लिए, तो इस बार जजमेंट पब्लिक कर देगा। अच्छा, लोगों को किस मुद्दा पे वोट देने के लिए कहते हैं? आखिरकार गुंजन सिंह को वोट करें, गुंजन सिंह को चुने, किस मुद्दा पे, किस विश्वास पे? देखिए, गुंजन सिंह को वोट इसलिए हम लोग करने के लिए कह रहे हैं कि जितने भी आज तक नेता आए हैं कहीं पर कुछ काम हुआ नहीं। अच्छा, कहीं काम नहीं हुआ। अच्छा, बरबीघा का एक नहर अभी देखिए बाकी है, मौरा से पौरा बहुत चर्चित है, कहीं भी पता लगा लीजिए आप, उसका काम भी अधूरा रह गया। तो अच्छा, क्या फंड में पैसा नहीं था? अच्छा, फंड का पैसा पेट में चल गया, कहाँ गया? अच्छा, कुछ लोग को इस बार कहना है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें, मोदी को देख रहे हैं, मोदी को जिताएंगे, गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, गली गली मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ हो पाएगा? देखिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। अच्छा, हाँ, जनता भी साथ है, जनता देख नहीं रहा है कि आज तक इतना कोई टिकट लेके आता है तो वोट नहीं मांगने के लिए आता है, ये घर का बच्चा है तब तो घर में वोट मांगने के लिए आ रहा है कि चाची हम उठा लियो, हमरा वोटवा दियो। मतलब इस बार आपका कहने का मतलब हो गया कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, फिर गरीब का बेटा राजा कब बनेगा? अच्छा, फिर गरीब का बेटा को भी तो मौका मिलना चाहिए, उन लोगों को तो बाईपास का रास्ता मिल जाता है। अच्छा,
जैसे देख लीजिए, उठा के नजर देखिए ना भाई, कि नेता का बेटा नेता बेटे से पैदा हो जाता है। कभी हम लोग के तरह जुझारू जैसा चुनाव नहीं लड़ता है, ना तो वो वार्ड का चुनाव लड़ता है, ना कुछ का चुनाव लड़ता है, उसको बाईपास का रास्ता कैसे मिल जाता है। अच्छा, हर एक बार जो बड़ा बड़ा नेता कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई बालू माफिया रहते हैं, कोई ये माफिया रहते हैं, कोई बड़े बाप के बेटा रहते हैं, क्या लगता है इस बार गरीब का बेटा क्या गुंजन सिंह सांसद बन का नाम हम रख दिए है? क्या नाम? नेवला गुंजन सिंह। तो नागनाथ चलेगा और ना तो सापनाथ चलेगा, चलेगा तो नेवला। अच्छा, नेवला नेवला इस बार माहौल बदलेगा? बदलेगा इस बार, समझ जाइए कि माफिया रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बस हम इशारा से समझा रहे हैं कि एक तरफ है नागनाथ और एक तरफ है सापनाथ और बीच में है नेवला। यानी गुंजन का नाम क्या लगता है, गुंजेगा? गुंज जाएगा, गुंजन मय हो जाएगा, गुंज जाएगा। अच्छा।